दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ विजय पार्क में मैन रोड पर खड़े हैं। यहाँ महिलाएं और नौजवान सभी लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हैं और इनका कहना है जब तक CAA वापस नहीं लिया जाता बात नहीं है। विजय पार्क में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हमारा पूरा राइट है, ठीक है, लेकिन हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए भी रोका जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, आप लोग अशांति फैला रहे हो, जबकि हमारा पूरा जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम लोग पूरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं। आपके ACPC यहाँ पर मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, आप लोग यहाँ से हट जाओ वरना हम हटा देंगे आपको ज़बरदस्ती। अच्छा, ज़बरदस्ती हटाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमने कहा कि अगर लेडीज में हमारे साथ हैं, लेडीज कफन बांध के आई है सर पे, वो अपने संविधान को बचाने के लिए काम कर रही है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई ऐसा नहीं हो सकता, अगर लेडीज है खड़ी हम देख लेंगे, लेडीज को भी ये धमकी दे रहे हैं कि हम देख लेंगे। ये पुलिस का कहना है, ABC ACP साहब है, भजनपुरा थाने से है, ये कह रहे हैं कि हम देख लेंगे अगर आप नहीं हटोगे तो। अच्छा जी, देखिए, ये जो संविधान के अनुसार प्रोटेस्ट का हक है, लोगों का कहना है कि उन्हें इस हक से वंचित किया जा रहा है। उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ ACP और पुलिस के जवान आ चुके हैं और अभी देखते हैं क्या होता है आगे। आगे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप प्रोटेस्ट को रुकवा नहीं सकते सर। जी, क्या कर रहे हैं सर? मीडिया है, मीडिया हमारा। नहीं, बताइए क्या प्रॉब्लम। हमारे SHO साहब आए भजनपुर थाने से, तो ये हमसे कह रहे हैं कि यहाँ से प्रोटेस्ट हटाइए 15 मिनट के अंदर। क्या इस सरकार में हमारा इतना ऐसा कमरा मौलिक अधिकार भी खत्म हो गया? क्या हम 15 मिनट करेंगे? ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ? हम यहाँ की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई दंगाई थोड़ी हो रहा है यहाँ पर, हमें हटाया जा रहा है, दंगा नहीं करना चाह रहे। आप लोग कोई व्यवस्था फैल रही है? प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, सर को सपोर्ट करते हैं, थाने को सपोर्ट करते हैं, अपने एरिया को सपोर्ट करते हैं। सर से बात कर लेते हैं एक बार। सर क्या कहना है इस बारे में आपका, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये मेरी आंखों पर रोशनी पड़ रही है, मुझे दिक्कत है आंखों पर रोशनी। अच्छा, चलिए चलिए, इधर कर ले, ठीक है, नीचे कर लो, ठीक है, ठीक।
आप लोग जो है किस लिए आए हैं थोड़ा बताएं। नेताब साहब आज हमने क्योंकि हमारी कॉलोनी के मुखलिस लोगों ने इस CAA और NRC के खिलाफ ये आज बीड़ा उठाया कि इंशाल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक इंशाल्लाह हम इसके लिए मुजाहरा करते रहेंगे। मैं भी कहता हूँ आज हमने ये प्रोग्राम तय किया है और इंशाल्लाह ये इंडेफिनिट चलेगा और चलता रहेगा। ये हमने पार्क की तरफ से सरकार को दिखाना चाहते हैं ये एक यूनिटी है और ये यूनिटी कायम रहेगी जब तक किसी ए हमारा वापस नहीं लिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए सबक है कि ये जो सोचते हैं ये सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट के अंदर सभी हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई सभी इन्वॉल्व है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारी हिंदू औरतें बहनें भी आई हुई हैं, मुसलमान औरतें भी हैं, तो ये एक मिला जुला सबके साथ है और ये जो है देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये किसी मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे संविधान को बचाना है, हर हाल में बचाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये कंटिन्यू रहने वाला है आने वाली 22 तारीख को जब तक सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद इसलिए आए आप लोग यहाँ पर NRC हटाने के लिए। देखिए ये महिलाएं हैं यहाँ पर विजय पार्क के सामने, बहुत ये महिलाएं हैं बहुत सारी और ये लाइनों में खड़ी हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं आधा किलोमीटर दूर तक ये CAA और NRC के खिलाफ इन्होंने बैनर लिए हुए हैं और इनकी डिमांड है जब तक CAA नहीं हटेगा ये आंदोलन करते रहेंगे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी किस लिए आए आप लोग? देखिए ये छोटी सी बच्ची है 14-15 साल की जो कह रही है CAA और NRC के खिलाफ जब तक नहीं हटेगा आंदोलन करते रहेंगे। जी क्या नाम है आपका? आप किस लिए आए आप लोग यहाँ रोड पे किस लिए खड़े हैं? वापस लेने के लिए। अच्छा NRC और CAA को वापस लेने के लिए। अच्छा और आप सब तक खड़े रहेंगे प्लीज आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं CAA और NRC NPR के खिलाफ प्रदर्शन है। ट्रैफिक बदस्तूर चल रहा है, ट्रैफिक को कोई दिक्कत नहीं है सब। ये आप देख सकते हैं विजय पार्क के सामने का नज़ारा है ये और ट्रैफिक बदस्तूर जारी है। ये देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको